हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे चिकन की एक नई रेसिपी जो अक्सर रेस्टोरेंट या फिर किसी होटल में खाने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 600 ग्राम चिकन, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें डाला मैंने आधा छोटा चम्मच नमक और इसके बाद इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर और उसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि हमारे चिकन के अंदर सारे फ्लेवर चले जाएं। चिकन को इस तरह से अगर आप मैरिनेट करेंगे तो आपके चिकन का जो टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें या फिर 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं। मैं इसे आधे घंटे के लिए रखती हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और पैन में डाला मैंने 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। इसे हम थोड़ा चटकने देंगे और जैसे ही चटकने लगेगा हमारा ये खड़े मसाले, बस इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन जो हमने आधे घंटे से मैरिनेट करके रखा था और इसे हम चलाते हुए 1 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देख सकते हैं चिकन फ्राई करते हुए हमें 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। हमारा जो चिकन है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ सूखे मसाले। यहाँ पे मैंने डाला है, लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे कलर आपका बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास है तो इसे डालें, अगर आपके पास ना हो तो आधा छोटा चम्मच आप यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर डालें। और अब मैंने लिया है यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और चिकन के साथ मसालों को हम भूनेंगे। इसे हम पहले से हम मसालों को नहीं भूना है, आपका टाइम भी बचेगा और मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे से जाएंगे। धीरे धीरे ये भूनते जाएंगे मसाले और चिकन का जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो आप कोशिश करें कि चिकन के साथ ही मसालों को फ्राई करें। ये देखिए 2 से 2.5 मिनट हो चुका है मसाला भूनते हुए हमारा। जैसे ही ऑयल मसालों से जो अलग होना स्टार्ट होगा, आप समझ जाइए आपके मसाले जो है वो अच्छे से करीबन करीबन भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम ब्राउन ऑनियन यानी बरिस्ता। मैंने 1 बड़े साइज के प्याज को ब्राउन कर लिया था और उसे चूरा बना के इसमें डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ऐसा करने से होता क्या है, आपका जो चिकन भी है वो अच्छे से पक रहा है और आपके मसाले भी है वो अच्छे से भून रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। आप चाहे तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके भी आप मसालों को भून सकते हैं, बस आपके मसाले जो है वो चिपके नहीं। ये देखिए अच्छे से सब चीज़ें जो है अच्छे से मिल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे दही, फैटी हुई दही है। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच दही लिया है। ये जो मैंने दही यूज़ कर रही मैं, ये ज़्यादा खट्टी नहीं है। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो आप 1 छोटा चम्मच जो है उसे भर करके आप दही डालें, वरना अगर आप खट्टी वाली दही डालेंगे तो आपके जो ग्रेवी है वो उसमें एक खट्टापन आएगा जो खाने में बिल्कुल मज़े की नहीं लगेगी। ये देखिए दही भी अच्छे से मिल चुकी है। दही डालने के बाद हम इसे आधे से 1 मिनट तक अच्छे से चला लिया हमने। बस सारी चीज़ों को डालते जाए, बस ऐसे चलाते जाए 1 से 1.5 मिनट के लिए और आपके चिकन भी बनते रहेंगे और आपके मसाले भी भूनते रहेंगे। अब उसी के साथ मैंने डाला 1 बड़े साइज़ का टमाटर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। इससे आपका ग्रेवी का जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगा और आपकी ग्रेवी जो थिकनेस है वो आएगी। और उसी के साथ मैंने डाला है 1/4 कप के करीब पानी और नमक, क्योंकि नमक मैंने सिर्फ मैरिनेट करते हुए डाला था, भूनते हुए मैंने नहीं डाला था। तो अब मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है आधा छोटा चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमें इसे भुनाई इसकी नहीं करनी है, बस टमाटर डालने के बाद इसे 1 मिनट तक सिर्फ चलाते हुए पकाना है। ये देख सकते हैं आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी अच्छी सी ऐसी रेसिपी लेते आऊँ।
ये देख सकते हैं आप, अभी ऑयल आपको बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा, हम ढक के जब इसे पकाएंगे तो ऑयल जो है वो अपने आप सतह पे आ जाएंगे, यानी कि ऊपर ऊपर दिखने लगेगा। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढकने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि हमारे जो मसालों का फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे से जाए और चिकन जो है वो अच्छे से मसालों के साथ पके। ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद मैंने ये ढक्कन को हटाया, ये देखिए ऑयल कितना सारा ऊपर आ चुका है। अब इसका लास्ट पॉइंट हम इसमें डालेंगे गरम मसालों का पाउडर। जी हाँ, आप गरम मसालों का जो पाउडर वो इसे एंड में डालें इस रेसिपी में, इससे आपका चिकन का जो टेस्ट है और भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएंगे और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही बेहतरीन सी आपके चिकन मसाला बनके तैयार हो जाएगा। होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, एक लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगी तो, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब आप इसे नान रोटी किसी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।